चलो बच्चा अभी एक और नया सम शुरू करते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चा। तो आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल सी है, इसको प्रॉपर तरीके से समझना तो इजीली क्लियर हो जाएगा। जिसमें बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपीज आर इक्वल। तो वो बोल रहे हैं कौन सी टर्म में एन टर्म में ये एपी इक्वल हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ पे हमें वो समझना है कि दो टर्म को इक्वल करना है, मतलब आपको दो एपी दी गई है और इसको इक्वल करना है। तो आप शांति से क्या करोगे, पहले इसका हम ढूंढेंगे ए एन टर्म कौन सा होगा, ए एन के हिसाब से फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का एन टर्म ढूंढेंगे, सेकेंड एपी का हम एन टर्म ढूंढेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और उसके बाद हमें वो मिल जाएगा कि कौन से टर्म में वो इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे nth term of AP is equal to, यहाँ पे लिखेंगे n in an is equal to a plus n minus 1 into d, जहाँ पे a है 1, d जो है वो a2 minus a1, 7 minus 1 जो हो जाएगा 6। यहाँ तक आपको पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो यहाँ पे आप बोलोगे a जो है वो 1 लिख देंगे, यहाँ पे n तो हमें पता नहीं है, और आप बोलोगे सर ये जो d है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 6। सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे ये an टर्म मिल रही है हमें 6n माइनस 6, तो आप बोलोगे सर 6n माइनस 5 हमारा आंसर आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगी। जैसे n टर्म फर्स्ट की आ जाती है तो हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ सेकेंड ap, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट एपी। आगे चलते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, तो यहाँ पे आप लोगे ए जो है वो 29 है, डी जो है वो ए टू माइनस ए वन, जहाँ पे है 31 माइनस 29, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जो है वो 29, एन हमें पता नहीं, डी है वो 2, यहाँ पे 29 यहाँ पे 2n माइनस 2, तो 27 प्लस 2n। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे हम ये दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे मतलब इज इक्वल टू एक साइड ये रखेंगे, दूसरी इज इक्वल टू की साइड हम ये दूसरा टर्म लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6n माइनस 5 इज इक्वल टू 27 प्लस 2n, तो यहाँ आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 6n माइनस 2n इज इक्वल टू 27 प्लस 5, तो यहाँ पे 4n हो जाएगा, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 32 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 32 अपॉन ये 4 जाएगा, तो आप बोलोगे 8 4 जा 32, और इसके साथ ये 2 का थोड़ा मेरा दिखता वैसे है ना, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो 32 इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अभी इसमें आप समझो हमने स्टेप कैसे किए, तो आप बोलोगे सर हमने एन टर्म पहले एपी की ढूंढी, दूसरे एपी की ढूंढी, और उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन किया। बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन ध्यान से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, बहुत इजी है, स्टेप फॉलो करो आराम से क्लियर हो जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एग्जाम के साथ।